अब हम जाए सर, प्लीज लेके जाओ अपने पेपर। अब तुम्हें यकीन आ शिवम, उस दिन हम तुम्हें सिर्फ आगाह करने आए थे। आई होप ये सब देखने के बाद तुम्हें हम पर यकीन आ गया। रघु के घटियापन का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता शिवानी। हमारा काम था तुम्हें सच बताना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। बिना ओरिजिनल बिल के रघु के पास वो फोटोकॉपी कहां से आई? ये एनवेलप बेबी जी, टेम्पो के इंश्योरेंस पेपर्स हैं, बापू ने देते रखने के लिए। मैं बताती हूं रघु के पास ये फोटोकॉपी कहां से आई। अभी मनु ने दी। रघु और अभिमन्यु इस पूरे खेल में मिले हुए। ये कैसे पेपर है रघु? कुछ नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं। रघु ने इन पेपर्स पे साइन कर दिए और उसने कहा है कि शिवानी जी उस पर बहुत भरोसा करती है और वो किसी तरह धोखे से शिवानी जी से सिग्नेचर्स करवा के पूरी जायदाद अपने नाम करवा लेगा। जी बेबी जी, हम तुमसे मिलना चाहते हैं रघु। अभी इसी वक्त हमसे मंदिर में आके मिलो। मंदिर? जय श्री रेणुका आंटी। वकील साहब आज तो आपने कमाल कर दिया, खुश कर दिया हमें। अरे हमने क्या किया, आपने इतने अच्छे पैसे देकर हमें खुश कर दिया और बदले में हमने आपका थोड़ा अच्छा काम करके आपको खुश कर दिया। अरे जरा हमें भी तो बताइए वकील साहब कि ये डील क्या थी? बस आंटी, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था। आपके कहने के मुताबिक हम लोग वकील साहब से मिले और फिर ये नोट देख रहे हैं वकील साहब, अगर आप जिंदगी भर रघु और उसके परिवार की वकालत करेंगे ना तो इसके आदमी नहीं कम। और फिलहाल तुम्हें ये करना है कि रघु जो भी कदम उठाता है उसके बारे में हमें बताते रहो और आगे क्या करना है वो हम तुम्हें बताते रहेंगे। ओके वकील साहब, 3 महीने बाद मालिक साहब की विल की शर्त जब पूरी हो जाएगी तो जो प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आएगी मैं वो बेबी जी के नाम करना चाहता हूँ। आप जल्दी से इसके कागजात तैयार करवा दीजिए और मुझसे मिलिए। थैंक यू। और फिर पेपर्स तो तैयार हुए लेकिन वो नहीं जो रघु चाहता था, वो जो हम चाहते हैं।
और फिर वही पेपर्स मैंने शिवानी जी को जाके दिखा दिए। वाह वाह वकील साहब, ये लीजिए वकील साहब, पूरे 1,00,000 है जैसे हमारी बात हुई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बड़े दिनों के बाद इस घर में जश्न का माहौल हुआ और ये सब आंटी आपकी वजह से हुआ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें तो ये सोच सोच कर बड़ा मजा आता है कि इस वक्त बेचारे रघु पे क्या गुजर रही होगी। बेबी जी आप ये मत कहो, बेबी जी मत कहो, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। बेबी जी आप क्या कह रही हैं? मैं हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे। बेबी जी आप कैसी बात कर रही हैं? बस करो रघु, हम नहीं जानते कि तुमने जिंदगी में कभी भी कोई सच बोला भी है कि नहीं, लेकिन अब तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द हमें तुमसे और नफरत करने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए बेहतरी इसी में होगी कि अब तुम चुप रहो। तुम्हारे घटिया सच तुम्हारे घर वालों के सामने ना आए, इसीलिए हमने तुम्हें आज यहाँ पर बुलाया है। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तुम हमें बोल देते। हम तुम्हें पैसे तो क्या, अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देते रघु। लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुमने भी औरों की तरह हमें सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करने का एक खिलौना समझा, और उससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हम जिंदगी भर के लिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। बीबी जी आप क्या कह रही हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बीबी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि। लेकिन हमें सब समझ में आ चुका है। जारे दादू जो तुम पे भरोसा करते थे, और तुम इतने बड़े ढोंगी निकले। पहले तुमने दादियों को बहला फसलाकर आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करी, और फिर हमें बेवकूफ बनाकर 3 महीने के लिए इसलिए रोके रखा हुआ है ताकि बाकी की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम हो जाए। अरे नहीं चाहिए हमें ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा पैसा जिसके लिए इंसान इंसान को बेचने पर मजबूर हो जाए। जिसके लिए तुम जैसे लोग मुखौटा लगा के घूमे और हम जैसे लोग तुम्हारा असली चेहरा भी ना पहचान पाए। बेबी जी मुझे नहीं पता मैं अपनी ईमानदारी का एहसास आपको कैसे कराऊं। लेकिन मैं देवी माई कसम खाए कहता हूं, मैंने आपको और मालिक साहब को कभी धोखा नहीं दिया और ना ही जिंदगी में कभी दे सकता हूं। ना 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 ना।
बीबी जी, मालिक साहब मेरे लिए मेरे भगवान है। उन्हें दिया हुआ हर एक वादा मेरे लिए मेरा धर्म है। आपकी हिफाजत करना मेरा धर्म है बीबी जी। भगवान को भी बेच दे कुछ पैसों के लिए। बेच दिया था तुमने, बेच दिया तुमने हमें। बेबी जी, मालिक साहब, भरोसा, विश्वास, ये सब जब खोखले लगते तुम्हारे मुंह से, मत लो इनका नाम। बेबी जी, ऐसी बातें मत करिए आप, प्लीज ऐसी बातें मत करिए। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं बेबी जी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मालिक साहब के नाम कर दी है बेबी जी। मैं मालिक साहब को कभी धोखा नहीं दे सकता बेबी जी, कभी भी नहीं। तुम हमें समझा रहे हो उतनी हमें तुमसे नफरत होती जा रही है। हमें तो तरस आ रहा है अपने दादू पर, जो तुम जैसे इंसान को हमारी जिम्मेदारी सौंप कर गए। तुमने कहा था ना कि दादू हमें देख रहे होंगे, तो फिर आज दादू भी देख रहे होंगे तुम जैसे घटिया इंसान को। और कितना दुख पहुंच रहा होगा उन्हें ये सब देखकर। हमारी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है रघु। Yeah.
किसने है कैसा खेला, हिस्से में आया जो हम कमेला, ना अर्जी कबूल हुई ऐसा क्या भूल हुई अपनी जोड़ी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी 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 से। अब इस बात का एहसास है कि तुम ना जिंदगी शिवानी की हिफाजत कर सकते हो, वचन दो कि अपनी आखिरी सांस तक परछाई की तरह उसके साथ रहोगे, उसे हर गम से हर मुसीबत हर तकलीफ से महफूज रखोगे, तुम उसका ख्याल रखोगे सदा, ये वचन दो। मैं वचन देता हूं मालिक साहब, जब तक जिंदा रहूंगा बेबी जी के साथ रहूंगा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मालिक साहब, हमेशा उनका ख्याल रखूंगा। भी लगता है मालिक कि मैंने आपको और बेबी जी को धोखा दिया, बेबी जी को कैसे विश्वास दे लाऊं बेबी जी को? ऐसे विश्वास सूखी पल के हुई नम, क्या खुद का सब मालिक्षा, मालिक्षा का आशा ब्याह होता जीत नहीं पाए अपने, आशा ब्याह होता बेबी जी को समझा पाते कि मैंने कोई धोखा नहीं थी, और ना ही कभी धोखा दे सकता हूं मैं। एक डोरी से
बेबी जी को टूटता हुए नहीं देख सकता मैं मालिक साहब, बेबी जी को टूटता हुए नहीं देख सकता मैं, नहीं देख सकता।